राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब लोग? आशा सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और अब हो रहा है सुबह 8:30 बजे का टाइम, और ये भैया देखिए सुबह सुबह ही आ गए हैं। ये निकल रहे थे बेचने के लिए, तो गोलू बोल रहा था कि मम्मा देख लो। मैंने कहा मेरे पास टाइम नहीं, क्योंकि सुबह का काम इतना ज़्यादा होता है ना कि बैठने का बिल्कुल मैंने एक मिनट भी नहीं मिलता। लेकिन ये बोल रहे थे कि इतनी दूर पैदल चल के आए, मम्मी एक बार देख तो लो, ये साइड में बेचने जा रहे हैं। तो हमने रोक लिया है, तो ये बोल रहे थे कि देख लो। तो फिर मैं आ गई अंदर, जबकि मेरी झाड़ू लग रही थी, मैं छोड़ के काम आई। मैं चलो देख लेते हैं, अगर शायद कुछ अच्छा लगेगा तो ले लूँगी। फिर यहाँ बहुत सारे थे होने के लिए, तो लेकिन मुझे चाहिए थे मल्टी कलर में, यानी कि सारे, मतलब मल्टी कलर ऐसा होता है ना कि सब में यूज हो जाता है, दिक्कत नहीं होती। तो फिर मैंने इसमें से, और तो नहीं, मुझे एक पसंद आया जो, वो मैंने लिया है। फिर इसके बाद झट से फिर मैं अपने काम में लग गई जाके। तो मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि मैंने कौन सा बैंगल का सेट लिया है। तो ये देखिए मल्टी कलर में है, बाकी और मेरे पास गोल्डन, सिल्वर ये सारे थे, तो ये मैंने मल्टी वाला लिया हुआ है। और इसके बाद मेरे सब काम हो गया, तो फिर नहा के मैंने पूजा वगैरह की, और इसके बाद मैं लगा देती हूँ मशीन। जब तक मशीन होगी तब, मतलब मट्ठा होगा, तब तक मेरा खाना भी बन जाएगा, क्योंकि जल्दी खाने की भी है। तो और यहाँ बच्चों का भी टाइम नहीं हुआ है, 10 बजे का टाइम है इनका, तो तब तक ये बैठ गए, बोले मम्मी आपकी हम हेल्प कर देते हैं तब तक। तो एक प्याज काट रहा है, दूसरा मटर छील रहा है, क्योंकि सब्जी बनना है। और मैंने जब तक मशीन वगैरह लगा दी, कपड़े जा रही हूँ डालने ऊपर, तब तक ये क्या है ना, मटर छील दे रहे हैं, तो जिससे क्या सब्जी तुरंत बन जाएगी। और इनकी ना बीच में मस्ती भी बहुत होने लगती, काम तो करते हैं लेकिन बीच में इनकी मस्ती भी काफ़ी। मैं ऊपर जाल से देख रही थी कि देखिए ये कर क्या रहे हैं, तो थोड़ी थोड़ी में इनकी नोकझोंक भी हो जाती है। ये देखिए, लेकिन ये है कि हंसते हंसाते लड़ते झगड़ते काम कर देते हैं, तो मेरा काम थोड़ा आसान हो जाता है। क्योंकि सब्जी छीलने में, ये मटर वगैरह छीलने बैठ जाइए तो और भी टाइम लगता है, क्योंकि इनमें टाइम लगता ही है। तो यहाँ ये मटर छील रहा है, वो काट रहा है प्याज, और मैं पहुँच गई हूँ किचन में। तो यहाँ देखिए मेरी एक तरफ सब्जी बन रही है, सब्जी पक रही है, और अब मैं सेक रही हूँ रोटियाँ, क्योंकि ये दोनों बच्चे तैयार हो चुके हैं। तो बस रोटियाँ और सेकनी है। और शाम को स्कूल से आने के बाद मैं और बच्चे सब फ्री थे, तो आज ये बच्चे बोल रहे थे कि मम्मा आप इतने दिन हो गए, मेला उठने को ही है, मतलब मेला भी से काफ़ी दिन हो गए लगे, और आपने हमें एक भी दिन मेला नहीं दिखाया है। तो आज मैं आई थी मार्केट तरफ, तो मैंने चलो आज आप लोगों को मेला भी दिखाई देती हूँ। बोले हमें और कुछ नहीं, हमें थोड़ा घुमा दो। और पापा के साथ आने को ये राजी नहीं होते हैं, बोल रहे थे कि पापा बहुत जल्दी जल्दी मचाते हैं और मम्मी आप चलो। तो फिर मैं दोनों को लेके आई हुई थी। और अक्सर है, होता ही ऐसा है कि बच्चे ना सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल माँ के साथ में ही महसूस करते हैं, उन्हें लगता है कि जल्दी जल्दी मम्मी नहीं मचाएंगी, हम चाहे जितना घूम लेंगे, और पापा के साथ तो उतना लिमिटेड ही टाइम मिलता है। तो ये भी बोला था ठीक है जाओ, मुझे नहीं जाना, तुम ही लोग जाओ मम्मी के साथ में। और हम लोग बोलते हैं ना, बच्चे मेला वगैरह घूमने के बहुत ज़्यादा उत्सुक होते हैं। हम लोग भी छोटे थे ना, तो कोई भी जाता था मोहल्ले से तो ऐसा लगता था कि हमें भी साथ में ले चले, अगर घर से मम्मी पापा नहीं जा रहे तो किसी के साथ भी चले जाएं, लेकिन मेला देख के जरूर आएं, पता नहीं ऐसा लगता था। लेकिन अब दिमाग में ही नहीं रहता कि हमें हाँ मेला घूमना है, इतने सारी उलझन दिमाग में रहती हैं। लेकिन बच्चों के चलते फिर मैं आज आ गई, मैं चलो घूम ही लेते हैं। तो यहाँ हम लोग आ गए हैं मेला घूमने, और दुकान धीरे धीरे कम ही होती गई, क्योंकि अब भीड़ भी कम ही दिख रही है हमें। सच में मेला चला जाए, बच्चों को घुमा ना पाऊँ, बस कर लिए हैं मेले में। आइए आप लोगों को भी दिखाती हूँ। यहाँ ये हैंडबैग मैं देख रही थी, अच्छे लग रहे थे मुझे, कलरफुल थे, तो यहाँ वही मैं पसंद कर रही थी। और हैंडबैग पसंद करने के बाद में यहाँ पॉट वगैरह रखे हुए थे, तो वही मैं देख रही थी। वैसे पॉट तो मेरे यहाँ काफ़ी रखे हैं, लेकिन फिर भी बोलते हैं ना मन नहीं भरता, अगर कोई चीज़ अच्छी लगती तो लगता है इसको भी खरीद ले चलें, मेले में अक्सर ऐसा ही होता है। और यहाँ ये डोर मैट थे,
मतलब पूरा सेट मिल रहा था। और दोनों बच्चे बोल रहे थे कि हमें पहले झूला झूलना है, लेकिन अभिषेक बोला नहीं, पहले निशाना लगाना है हमें। मैं चलो भाई अपना निशाना ही लगा लो। तो मैं दोनों को लेके आ गई हूँ यहाँ दुकान में, तो देखते हैं किसका निशाना बिल्कुल तेज़ लगता है। तो अभिषेक बोल रहा था कि मुझे पहले लगाना है, तो इन्होंने लगाए। गोलू का तो निशाना चूक गया, लेकिन अभिषेक के सही लगे थे। और इसके बाद मैंने बच्चों का टिकट लिया, क्योंकि मुझे झूले वगैरह में दिक्कत होती। मैंने कहा तुम दोनों ही चले जाओ, तो ये बोल रहे थे कि मम्मा आप नहीं चलोगी तो हम भी नहीं जाएंगे। और मैं मुझे क्या, मुझे चक्कर सा आने लगता है, लेकिन फिर भी बच्चों के साथ में उनका साथ तो देना ही होता है। तो बोले थे और नहीं, हम एक में ही झूलेंगे बस। और इसके बाद मैं, इन्हें लगी थी भूख, तो यहाँ मैंने इन्हें नाश्ता करवाया। सच में मेरे अच्छा लग रहा है, लेकिन भूख कम है। बाद में कप वाली स्टॉल पे आ गए, कप लेने थे मुझे, ट्रे और कप का सेट देख रही थी। यहाँ अच्छे अच्छे कप थे। और मेले में ना छोटी मोटी चीज़ें जो घर गृहस्थी की होती हैं मिल जाती हैं अक्सर मार्केट में, क्या फिर उनको ढूंढना पड़ता है अलग अलग। और यहाँ ऐसा होता है ना कि सारी चीज़ें एक जगह ही मिल जाती हैं जो हमारी किचन वगैरह की होती हैं। और इसके बाद में मैं आ गई थी घर, काफ़ी लेट हो गया था खाना वाना बनाने, क्योंकि घूमते घामते काफ़ी टाइम हो गया। तो बच्चों ने उतना बोल रहे थे हम लोग नाश्ता कर लिए मम्मा, उतना हम लोग खाना नहीं खाएंगे, तो इन्होंने दूध भर पिया। लेकिन मैंने फिर इनके लिए अपने लिए खाना बनाया। और इसके बाद अब किचन कर रही हूँ साफ, बर्तन वगैरह सारे धुल ही चुके हैं, तो वही किचन लास्ट रह गया। ये मेरी रही मेले की शॉपिंग जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये देखिए, पहले तो लिया है ये मैंने लंच बॉक्स, बहुत अच्छा लग रहा था ये। देखिए एक ये है, और ये लिए है मैंने कप, पास से कप का डिजाइन, ये वाला कप का डिजाइन बहुत अच्छा लग रहा था, ये वाले कप है। और ये लिया है मैंने अपने लिए हैंडबैग, पर्स, पास से दिखाऊंगा आप लोगों को, ये कलर भी मेरे पास नहीं था पहले, मैंने अब लिया है। ये स्क्रबर है, ये मग है, यही छोटी छोटी शॉपिंग है। ये भी है आटा छानने के लिए, ये इस बार इसलिए लिए जैसे सूजी वगैरह छानते तो बड़ी चलनी में निकलती नहीं है, इसलिए ये ले लिए, मई सूजी है छानना है जैसे, तो उसके लिए ये। और ये है, और एक ले लिया है मैंने जग, और इसका सेट है छः का, ए वाले का इसका सेट है छः का। एक है लंच बॉक्स, बस यही है मेरी छोटी मोटी शॉपिंग जो मैं करके लाई हूँ। मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, ज़्यादा तो मैंने कुछ नहीं खरीदा क्योंकि बहुत जल्दी थी हो गया, तो यही मेरी शॉपिंग है। तो बताइए फ्रेंड्स मेरी मेले की शॉपिंग कैसी लगी, लाई हूँ बहुत थोड़ा थोड़ा सा सामान। और सारे काम से फ्री होने के बाद मैं बैठ गई जी हरी चने लेके छीलने के लिए। मैंने कहा ये रखे रखे सूख जाएंगे, इनकी सब्जी भी नहीं बन पाएगी, तो यहाँ मैं बैठ गई छीलने के लिए। मैंने कहा अपना सीरियल भी देखती जाऊँगी, चने भी छीलूँगी। बच्चों को मैंने इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि दोनों बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, तो मैंने उनको डिस्टर्ब नहीं किया। तो मैं चलो जितने छील पाएंगे मैं ही छील लेती हूँ थोड़ा थोड़ा करके। तो बस फ्रेंड्स यहीं पे करूँगी मैं अपने ब्लॉग की एंडिंग। और मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा
थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मिलती हूँ एक अच्छे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।